हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया ही होगे फ्रेंड्स। तो ये देखो जी, इनका लड़ना झगड़ना शुरू हो गया जी। ये कैसे मारे? नो, मारते नहीं है, इधर आ जा। तो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। ये देखो जी, इन लोगों ने क्या खलारा पा दिया है फ्रेंड्स। सारी साफ सफाई मेरी हो गई थी, ये देखो जी इन लोगों ने क्या कर दिया है। कुछ इनके खिलौने निकल गए हैं। ये देखो जी, इनके मेकअप का हो गया है जी सामान सेट। ये देखो जी, डॉल को सुला के रखी है, कैसे खेलते हैं। करू ही लड़ना नहीं है, इधर आ जाओ। क्या क्या तू इधर है? अपने अपने टेबल पे खेल, चलो तूने डॉल को सुला दिया ना, अपने टेबल पे खेलो। ये देखो जी, ये लड़ती बहुत है जी, रूही इसको खिलाती नहीं है फ्रेंड्स। तो फाइनली सारा काम हो गया है फ्रेंड्स। तो दिन भर का यही काम है जी, झाड़ू पोछा। इधर कोई काम काज ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। तो झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो गया है फ्रेंड्स। तो अभी हम बैठे हैं जी, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चे को मैंने ट्यूशन से ला दिया है फ्रेंड्स। तो लंच वंच हमारा हो गया है फाइनली फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग नहीं बना पाई फ्रेंड्स सुबह से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरे वीडियो करके बहुत ही परेशानी हो रही थी जी, वीडियो में अपने। फिर मैंने यूट्यूब में एक मैसेज भेजा दी, तो उसके थ्रू से मेरा थोड़ी सी मेरे को मेमोरी मिल गई थी फ्रेंड्स। तो बाकी सारी वीडियो जो फालतू वीडियो फ़ोटो वगैरह मुझे डिलीट करनी पड़ी सारी फ्रेंड्स। तो थोड़ा बहुत काम भी था, तो सुबह उठ के पहले तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, पड़ता पूजा पाठ करके। पूजा पाठ तो मॉर्निंग की फ्रेंड्स वही कर लेते हैं रूही के पापा। तो उठ के मैं फिर सुबह उनका ब्रेकफास्ट बनाना जी, दिन का लंच बना के रखना जी उनके लिए, साथ में टिफिन देना जी। हम तो घर पे फ्रेंड्स खाते ही रहते हैं, तो उनको मुश्किल हो जाता है बाहर से। आजकल मिलावट का इतना ज़माना है फ्रेंड्स। तो वो ले जाते हैं। देखो फ्रेंड्स कितना लड़ रही है, क्या हो गया? ये देखो जी कैसे रो रही है। ये रख दो बेटा, रख दो लड्डू। ये तूने नीचे क्यों फेंके इसके? इसकी डॉल फेंक दी है, अब रो रही है फ्रेंड्स। ले करने। तो जी इनका ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। रूही दे कन्नू, ये ले, रहने दो बेटा, ये ले लो आप, ये कर लो। रूही को नहीं लेके जाना हमने, इसको यहीं पे रखेंगे घर। तो फ्रेंड्स ये इनके बहुत लड़ती हैं जी, ये बड़े वाली बहुत ही शैतान है फ्रेंड। जब तक ट्यूशन जाती है, अब बाहर जाती है खेलने, तब तक ही शांति होती है। इनके आने आने से पहले फटाफट काम करना है पड़ता है फ्रेंड्स। तो फाइनली काम तो सारे ही हो गया है जी। इन लोगों ने उतना ही खलारा पा दिया जी, खिलौनों के बीच पानी भर भर के सारे खिलौने अपने निकाल दिए। उधर देखो जी, टेबल पर पूरा पार्लर बना दिया। इधर देखो जी, डॉल और टॉवल का क्या कर दिया फ्रेंड्स। तो इन लोगों के साथ बुरे ही हाल है जी। तो फ्रेंड्स बाकी क्या, डेली रूटीन में यही है, झाड़ू पोछा। तो मशीन के हाथ से मैंने कल कपड़े धो लिए थे जी, आज मैंने हाथ भिगो कर रखे जी थोड़ी देर के लिए। कपड़े थोड़े से ही कपड़े हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो मैं वो भी हाथ से ही निकाल लूँगी, स्पिन मैं मशीन में कर लूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दूँ। तो आज इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, मौसम तो फिर भी ठंडा छा, तभी ठंडी है। तो बहुत ही ज़्यादा धूप तेज है जी। जब मैं बच्चों को लेके आ रही थी, अजय बाबू, जब बच्चों को लेके आ रही थी तो बहुत ही पसीने पसीने छूट गए जी। तो ये अकेला रहना ही पसंद करती है, जिसको कोई छेड़े तो ये चिक्खे मारती है, नहीं तो ये अकेले में ही फ्रेंड्स खुश रहती हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बाहर बहुत ही गर्मी है हो रखी है फ्रेंड्स। तो अब मैं इतना ही बोलूँगी, जो मेरे न्यू फेसबुक फ्रेंड्स यूट्यूब फ्रेंड्स बने हैं जी, उनके लिए पहले तो मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को देखते हैं जी। हम मेरे बच्चों को मुझे इतना प्यार देते हैं फ्रेंड्स। और एक बात बोलूँगी फ्रेंड्स कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे आप जाओगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करना, ओम स्मॉल लेटर में करना, कैपिटल लेटर में ओम साई राम व्लॉग अनीता, सारा स्मॉल लेटर में होगा जी। वहाँ पे अपने आप ही मेरा आ जाएगा जी, साईं बाबा का फ़ोटो आपको लगी है जी वहाँ पे। तो आपने वहाँ पे जाकर नीचे सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो इतनी ही रिक्वेस्ट है जी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो फ्रेंड्स मुझे बहुत ही खुशी होएगी। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा थोड़ा सा चैनल में ग्रो हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मेरे चैनल को ही देखता है जी।
तो फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगी बहुत, और बाकी इतना बोलूँगी जितना प्यार देने के लिए मेरे वीडियो को, इतना देखने के लिए, प्यार देने के लिए, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दिल से, थैंक यू जी। तो बच्चों के साथ जी बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए कोई ना कोई वीडियो मैं बनाऊँ फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूँगी मैं थैंक यू करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच जो मेरे अभी नए यूट्यूबर बने हैं, नए फ्रेंड्स बने हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो ये देखो जी ये डॉल के साथ खेल रहे हैं जी बच्चे, ये देखो जी रूही और टीवी चल रहा है फ्रेंड्स। तो आज हमने कुछ नहीं, आज हमने मैंगो की चटनी बनाई थी, मैंगो के खट्टे आम की, मैंने उसकी रेसिपी आपको दे रखी है फ्रेंड्स। तो आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, तो अब रोटी पानी अब हमने बनाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जी रेसिपी जो आज फ्रेंड्स हमने किसी के घर पे जाना है, तो आज हम कोई किसी का बच्चा बीमार है जी तो उसको देखने जाना है, तो वो तो ऑफिस चले जाते हैं, तो हम 4 बजे जाएंगे फ्रेंड्स। तो देख कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो, और हो नहीं सकता कोई अच्छा भी मानता है वीडियो बनाना, कोई बुरा भी मानता, बाहर थोड़ी सी अभी वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, तो इतना भी पर्पस नहीं है कि हाँ तो मैं कोई कैमरा फ़ोन पकड़ना, माहौल बहुत ही गंदा है जी बाहर का, तो फ़ोन पकड़ना बाहर ऐसे कोई भी छुड़ा कर ले जाता है, डर ही लगता है फ्रेंड्स। तो आजकल का माहौल इधर का तो शहर का तो बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी तो कोशिश करूँगी मैं दिखाऊँगी, पर होता नहीं है जो भी न्यू ब्लॉग है जो, तो टाइम लगेगा फ्रेंड्स करने में। तो बस इतना ही बोलूँगी जी आपका थैंक यू जी। पर मौसम आज सही है फ्रेंड्स, अंदर तो सही है, बाहर तो बहुत गर्मी है, तो बहुत ही तेज धूप, अभी मैं बच्चों को लेके आई फ्रेंड्स तो बहुत ही गर्मी, इतना कि बस चक्कर खा के बंदा गिर जाए, इतनी गर्मी है इधर। थोड़ा मौसम करके, थोड़ा बारिश करके मौसम सही हुआ था फ्रेंड्स, फिर वैसे ही धूप हो जाती है, एक मिनट में सूख जाता है, एक मिनट में धूप हो जाए, एक मिनट में ही सब कुछ सूख जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो अगर आप ऑमलेट बना लोगे धूप में तो आपका ऑमलेट भी बन जाएगा फ्रेंड्स, अगर ऐसे धूप में बाहर रखोगे तेल पक जाएगा। बहुत ही गर्मी होती है जी यहाँ पे, इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी है फ्रेंड्स। तो बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जी, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाऊंगी नहीं फ्रेंड्स, बाकी मेरे पास अभी पर्पस कुछ है नहीं जी वीडियो बनाने का, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू जी। ये देखो जी इनके लड़ने के काम, इसने एक कमीज़ का बना दिया जी, मैंने कपड़े धो के रखे जी, उस कमीज़ का इन्होंने पानी में डुबो के बना के जी पोचा बना लिया जी। बच्चे हैं जी बहुत ही शैतान। ये देखो जी सारे खिलौने इसने ले लिए हैं, बैठे हैं अभी रूही तो सुनती भी नहीं, अभी फोन में टीवी में घुसी, अभी आएंगे ट्यूशन से आएंगे तो बस टीवी लगाएंगे, अभी तो पढ़ के आए हैं, फिर इनसे होमवर्क कराना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मुश्किल से बिठाना पड़ता है।